राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा हो, आपका परिवार भी कुशल मंगल हो। बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, तो आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 56वां सर्ग। इसे सुने और श्री राम जी की महिमा आपके ऊपर अपार बरसे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी अपने भगवान से और राम जी से। तो आज ये 56वां सर्ग है दोस्तों, शुरू करते हैं। विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्म दंड से ही उनका समन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र अग्रयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रहे खड़ा रहे। उस समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्म दंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, अक्षत्रिय धम ले यह मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गाधे पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। अक्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा अक्षात्र बल है और कहाँ मान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले गाधे पुत्र, विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्म दंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। तब गाधेपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपत और ऐसी नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन, उसके पश्चात क्रम से मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जरम्बन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली दो प्रकार की असनी और धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्यास्त्र, मंत्रनास्त्र है श्रिया दो प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान, वेदाद शास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कलंकणास्त्र। ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों ने शांत हो जाने पर गाधिनंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्धत देख अग्नि आदि देवता, देवऋषि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज को प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्म दंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोम कुपों में से किरणों की भांति धूमयुक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूमरहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्रह्मान, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, आप अब शांत हो जाइए।
जिनसे लोगों की व्यथा दूर हो जाए। महर्षियों के ऐसा कहने पर मातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी ने अपने आप को शांत किया और वे पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, अक्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूँगा जो मेरे लिए ब्रह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 56वां सर्ग पूरा हुआ। कल मैं आपको इसका 57वां सर्ग सुनाऊंगा बालकांड का ही। अब विदा लेकर लेता हूँ, मुझे आज्ञा दे भगवान आपके ऊपर सदैव खुशहाली बरसाए, यही मेरी कामना है अपने देवी देवताओं से। कल मैं आपको इसका अगला सर्ग सुनाऊंगा 57वां। तब तक के लिए प्रार्थना है भगवान से कि आपके ऊपर सदा अपनी कृपा बरसाए। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी।